ये नहीं कहते हैं कि आप भाग के शादी करो। भाई पहली बार सीधी शादी लड़की मिली है। हैगर नहीं है कि मैं हैक कर लूंगा, एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह। अपनी तो जैसे तैसे। अपने पति को ज्यादा डोज देते हैं क्योंकि बोलते हैं हम वापस जा रहे हैं, तुम कपड़े धो खाना बना। तो ऐसा थोड़ी है कि राह चलते किसी लड़की को प्रपोज कर देंगे। भाई यकीन नहीं होता है ये कलयुग में समझदारी संस्कारी लड़की मिलेगी। हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत क्विट सी लड़की। देखिए हर कोई लड़की होती है अपने आप को अच्छी नहीं बोलती है, वाकई में अच्छी लग रही है। पहले एक बार देख लेना भाई, थोड़ा करीब आ जाना भाई। तो हाय, कैसी हो आप? तो आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ। अच्छा, ये यूपी उत्तर प्रदेश? यूके उत्तराखंड। अच्छा, पहली बार आए यहाँ पे? हाँ पहली बार आए। आपके साथ में कोई फ्रेंड? हाँ मेरी फ्रेंड है। आओ आओ आओ। मैम मैम, अब हम कोई हैगर नहीं है कि मैं हैक कर लूँगा, एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह। तो यहाँ पे पहले कभी आए थे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम? हाँ। और मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा घर ही में हैं। अच्छा, नहीं आजकल ऐसे होते हैं कि गार्जियन लोग नहीं लड़की को घूमने देती है, तो ऐसा नहीं है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, फुल फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ गलत मत करो, अपनी लाइफ में फुल फ्रीडम है। हाँ, क्योंकि लड़कियों की भी जिंदगी होती है अपना। तो भाई अगर घर बसाना है तो इसके जैसे लड़की ढूंढना, वरना कुंवारा रह जाना। आपका लाइफ में क्या सपना है? अभी तो कुछ ना हो रखा है, लाइफ की ऐसी तेजी हो रही है, लाइफ का कुछ सपना होगा भी। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई? हाँ, अभी ग्रेजुएशन चल रही है। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर आगे के देखेंगे। वो तो है। चलिए, आपका लाइफ में कैसा लड़का चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अकेले ही सही। अकेले? इतना अच्छे 70 साल 80 साल अकेले कैसे गुजारेगी जिंदगी? शादी हो जाएगी, घर वाले देख लेंगे अब हम क्या करें। हाँ हाँ, वो तो है। ये नहीं कहते हैं कि आप भाग के शादी करो। देखिए, जैसे आपका कोई मन में, अभी तो छोड़ो कोई बात नहीं, 2 साल 5 साल के बाद कोई लड़का पसंद आ जाए तो अपना मम्मी पापा को नहीं बता सकती? बता सकती हूँ। पाल पोस के इतना बड़ी किया है तो एक ख्वाहिश नहीं आपके पूरा कर सकते मम्मी पापा? जब आप इतना खूबसूरत हैं, समझदार हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि राह चलते किसी लड़की को प्रपोज कर देंगे। जॉब करते हैं, जैसे शादी होने के बाद पति को खाना बनाना है या खुद खाना बनाएगी? दोनों बनाएंगे गाइस, इसमें ये थोड़ी ना है कि हाँ पत्नी ही खाना बनाए है कि आज के ज़माने में देखता हूँ अपने पति को ज़्यादा डोज देते हैं क्योंकि बोलते हैं हम वापस जा रहे हैं, तुम कपड़े धो खाना बनाए। भाई पास आ जाए, करे समझदारी दिखाए तो अच्छी बात है, तभी रिश्ता दिखता है। थोड़े सेक्रीफाइस वो करेगा, थोड़े मैं करूँगी, अब सारे मैं ही करूँ तो ये भी तो बुरी बात है। तो मेरे भाई, इस लड़की के साथ ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, और अपने भाई को जम के सपोर्ट करना। बाय, लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।